तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ, तो आज मैं फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट लेकर के और आया हूँ आपके सामने। और ये वीडियो जिन भाइयों को पता रहती है, मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको ये नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से भाइयों लोगों का मैसेज आता है कि ये ट्रिक हमें पता है। तो ये आपके लिए नहीं है, आपको अगर नहीं पता है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ फुल अपडेट के साथ डालता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं फुल डिटेल के साथ सारा आपको एक्सप्लेन के साथ वीडियो डालता हूँ, क्योंकि वीडियो तो हर एक डाल रहे हैं, हर एक बंदे वीडियो डाल रहे हैं, अच्छे वीडियो डाल रहे हैं। मैं किसी की वीडियो ख़राब नहीं बोल रहा, ना अपनी वीडियो अच्छी बोल रहा, बट मैं एक बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा जो भी कंटेंट आप देखें, अगर आपको पता है किसी भी चैनल का तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, बट आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो ऐसे ही कंटेंट मैं लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। तो एक जियो का फ़ोन है हमारे पास, इसका मॉडल मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो ये फ्रेंड्स जो ये फ़ोन है, ये फ़ोन आया हुआ है हाई टेम्परेचर। यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ करके दिखा देता हूँ, जब से ये हमारा ऑन हो रहा है ये जियो का मॉडल, मैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ बता दूंगा फ्रेंड्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं इसका सोल्यूशन, बहुत सारे वीडियो डाले यूट्यूब पे, पर मैं इसका फुल डिटेल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ फुल डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड। जैसा कि आप हमारे चैनल में जुड़े हैं और हमारे अगर काफ़ी वीडियो को आपने देखा है, अगर ये भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। तो आई होप, मैं दो कैमरे से इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता भी चले कि काम ये मैं जेन्युइन कर रहा हूँ कि कोई भी एडिटिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए मैं दो कैमरे का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये बूट होने में चालू होता है, तो बूटिंग में जैसे ही हो जाएगा ये हमारा प्रोसेस अभी ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, और जैसे ही ऑन हो जाएगा मैं यहाँ पे सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो इस फ़ोन में टेम्परेचर का इशू है, जो कि काफ़ी सारे वीडियो डली हैं, तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे टेम्परेचर टू हाई, फोन विल बी टर्न ऑफ इट, यहाँ पे कीप रेजिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेम्परेचर का इशू आ रहा है, हाई टेम्परेचर, और ये फ़ोन हमारा बंद हो चुका है। तो ये आपने काफ़ी सारे वीडियो ऐसा देखे होंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस पे कोल्ड टेस्टिंग करनी है। कोल्ड टेस्टिंग करने के बाद आपको ये चेक करना है कि इसमें कंडीशन क्या बन रही है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें कोल्ड टेस्टिंग करता हूँ, मल्टीमीटर हमारा यहाँ पे आपको बीप सुनाई दे रहा होगा, तो मैं पहले ग्राउंड को टच कर रहा हूँ, उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे वीवर्स पे देखूंगा। तो यहाँ पे इसका जो वीबैट है, यहाँ पे मेरी 276 रेटिंग आ रही है, और ये तो हमारा ग्राउंड हो गया। और जो हमारा बीच वाला पॉइंट है, ये हमारा बीएसआई का पॉइंट है, तो बीएसआई पे देखते हैं फ्रेंड, तो बीप आ रहा है। जैसा कि अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बीएसआई पे टच कर रहा हूँ, तो ये हमारा बीप आ रहा है। तो फ्रेंड वो तो हमारा प्रॉब्लम है ही है, एक्चुअल में इसमें बीएसआई की लाइन हमारी शॉर्ट हो चुकी है। देखिए बीएसआई की लाइन, अगर आपको बीप सुनाई दे रही होगी फ्रेंड, ये देखिए बीएसआई की लाइन हमारी ये शॉर्ट हो चुकी है। जो टैम की लाइन जो हमारी दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये देखिए हमारी टैम की लाइन यहाँ पे हमारी शॉर्ट बता रही है। तो बहुत सारे आपने सोल्यूशन को देखा है कि आप टैम से लेकर के पावर में, आप बीपीएस लाइन में आप उसको जंपर कर देते हैं तो आपका ये सोल्यूशन हो जाता है, आपको ट्राई करना है। उसके साथ साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको इसकी शॉर्टिंग हटानी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसकी शॉर्टिंग हटानी है। तो शॉर्टिंग हटाने के लिए सबसे पहला मेथड तो हमें इसकी शॉर्टिंग हटानी है, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम फ्रेंड आगे का सारा प्रोसेस यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, आप लोगों ने शॉर्टिंग के लिए भी बहुत सारे वीडियो देखा होगा, आप कमेंट करिए, अगर आपको शॉर्टिंग के कुछ ऐसे वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए आपको वीडियो एक प्रॉपर बना के दूंगा कि शॉर्टिंग को कैसे रिमूव करते हैं। फिलहाल मैं एक छोटी सी ट्रिक आजमा रहा हूँ, अगर वो भी आपको अच्छी लगे तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं ये डीसी का यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे दूसरे कैमरे पे देख सकते हैं, मैं दो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैक वाले को ग्राउंड लगा लेता हूँ। और फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने डीसी, अगर आपको इस कैमरे में दिख रहा होगा, तो मैंने डीसी को 2 एम्पीयर पे सेट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं एक थिनर, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक ट्रिक आजमा रहा हूँ, आपको पता भी होगा थिनर ट्रिक, तो इससे ये पता चलेगा कि हमारी शॉर्टिंग चुटकी में आप कैसे है। अगर आप कमेंट करिए, अगर आपको चुटकी में शॉर्टिंग पता करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप क्या करूंगा, टैंप को उसमें 2 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करूंगा, और जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा 2 वोल्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, जो कि फ्रेंड्स हमें, मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिर से करूंगा और टेम्प पे रखने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा।
ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारा जो डायोड है वो शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे एक डायोड है फ्रेंड्स, आपको अभी मैं जूम करके बहुत क्लियर कट दिखाऊंगा। तो इस डायोड को सबसे पहले तो हम रिमूव करते हैं, उसके बाद का हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, और मैं इस डायोड को पहले तो रिमूव करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको काम करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले डायोड को रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो डायोड था, मैं डायोड को निकाल दिया, मैं लाइव कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। क्योंकि पहले तो हमें बाईपास करना है, अगर मैं यहाँ पे बाईपास कर देता तो हमारा बीबैट भी शॉर्ट हो जाता फ्रेंड, बीबैट भी हमारा शॉर्ट हो जाता। तभी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी जो शॉर्टिंग थी वो दूर हुई कि नहीं हुई फ्रेंड, तो हम उसको शॉर्टिंग को भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप, जब हमने उसको शॉर्टिंग हटाया तो यहाँ पे देखा कि एक डायोड हमारा बीप आ रहा था। तो अब मैं फिर से चेक करूंगा, बीएसआई तो हमारा शॉर्ट हट चुका है, बट ये शॉर्टिंग तो हट गई कि हमारा लो टेम्परेचर का एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेंड कि जो हमारा लो टेम्परेचर था वो एरर अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पे जो इसका एरर आ रहा था, लो टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर का एरर आ रहा था, तो हमने क्या किया कि आपको यहाँ पे एक डायोड दिखाई दे रहा होगा, ये डायोड दिखाई दे रहा होगा। हमने बताया था कि बीएसआई जो शॉर्टिंग थी, अब वहाँ पे बीएसआई पे शॉर्टिंग नहीं है, अब ये डायोड हमने इसको रिमूव कर दिया है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो और मैं यहाँ पे बोर्ड में दिखाना चाहूँगा, ये बोर्ड में यहाँ पे लगा हुआ था, तो मैं एक हाथ से आपको टच करके दिखा देता हूँ कि वो जो डायोड था कहाँ पे लगा हुआ था। क्योंकि अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आया तो आप ये देखिए, ये जो डायोड था, जो शॉर्टिंग हमारी आ रही थी, ये इस डायोड से शॉर्टिंग आ रही थी। और दूसरी चीज़, ये हमारा जो टैम था, अब यहाँ पे कोई भी वो शॉर्टिंग नहीं है। और आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप कई सारे वीडियो में आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से टैम से उठा करके बीपीएच पावर में आप उसको जंपर मारने से भी आपका लोट हाई टेम्परेचर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, काफ़ी वीडियो में देखा गया है। पर ये जो ट्रिक था ये कुछ अलग था, क्योंकि सारी वीडियो में एक ही जैसा सोल्यूशन दिया है फ्रेंड, इसलिए मैं यहाँ पे सारी आपको ट्रेसिंग करके दिखाया। जो कि इसीलिए मैं बोलता हूँ ये हमारी जो वीडियो बनती है फाइनली बनती है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे हमारी पहली बात तो बीएसआई पहले शॉर्ट था, तो अगर हम वहाँ पे कर देते, अगर उसको हम पावर से बीपीएच से जंपर कर देते, तो फ्रेंड हमारी बीबैट लाइन भी शॉर्ट हो जाती, बीपीएच लाइन हमारी शॉर्ट हो जाती, और जब बीपीएच लाइन शॉर्ट हो जाती तो फुल हमारा डेड हो जाता फोन। तो आई होप ये जो शॉर्टिंग का ट्रिक भी मैंने आपको दिखाया, ये थिनर मेथड से जो आपको हमने दिखाया यहाँ पे शॉर्टिंग मेथड, तो आप इसको, अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप हमें फ्रेंड्स कमेंट करिए कि एक शॉर्टिंग का भी वीडियो चाहिए, हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग को कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं फ़ोन को फाइनली उसमें लगाता हूँ और ऑन करके दिखाता हूँ कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड चलिए, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक हैंड से काम कर रहा हूँ और ये वही सेट है आपके सामने, प्रैक्टिकली हमने किया हुआ है, अब यहाँ पे ऑन करते हैं फ्रेंड इस फ़ोन को और देखते हैं फाइनली हमारा ये जॉब डन हुआ कि नहीं हुआ। ये ऑन हो रहा है, इसको ऑन करते हैं फ्रेंड और देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम था, मेन प्रॉब्लम था जो एरर आ रहा था। अब ये मैंने ये डायोड को शॉर्टिंग था कैसे फाइंड किया और आपको कैसे फाइंड करना है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग के वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बनाऊंगा। तो बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी फ्रेंड, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और ये देख सकते हैं फ्रेंड मैं सारा चीज़ आपके सामने प्रोसेस करके ही दिखा रहा हूँ, और ये फ़ोन जैसे ही ऑन हो जाता है तो जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, टेम्परेचर का जो इशू था, हमारा फ़ोन बंद हो गया था 10 सेकेंड के अंदर। अब ये फ़ोन देखते हैं कि फ्रेंड्स प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। मैंने लाइव भी आपके सामने किया है, कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाया, मैंने जो उसका सोल्यूशन था वो भी बता दिया है कि आप यहाँ से उठा करके उसकी आईडी से देखिए, फ़ोन हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। और ये देखते हैं, वेट करते हैं 10 सेकेंड या थोड़ा सा 1 मिनट तक का वेट करते हैं, क्या पता मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ, पर मैं कभी भी अपने चैनल में कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता। मैं आपके सामने लाइव, अब ये स्लीप मोड में चला गया, ऐसा मत सोचिएगा वो बंद हो गया, मैं फिर से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड। ये देखिए बस वहाँ पर मैंने टच किया है पावर की को, और ये देखिए फ़ोन हमारा प्रॉपरली 100% जॉब डन हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था, मैं एक बार फिर से आपको फटाक से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि फ़ोन हमारा ऑन है कि नहीं। ये देखिए फ़ोन ऑन है, अब इसकी फटाक से एक हाईलाइट आपको, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में हाईलाइट देता हूँ, तो फटाक से आपको हाईलाइट दे देता हूँ इसका। अगर टेम्परेचर का इशू आए तो आपको क्या करना है, स्टेम से
आपको मैं यहाँ पे टच करके दिखा दे रहा हूँ टेम से, और बीपीएच लाइन में आपको क्या कर देना है, एक जंपर मार देना है। अगर तब मारना है जब ये बीएसआई की लाइन सही हो। अगर बीएसआई की लाइन शॉर्टिंग है, जैसा कि इस केस में आपने देखा, ऐसी कोई भी वीडियो नहीं डली है फ्रेंड, मैं ये आपको अभी चैलेंज दे रहा हूँ, ऐसी एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डली है जो कि आपने ये आपको प्रॉब्लम दिखे। अगर इन केस ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखता है तो इसका सोल्यूशन भी है। ये देखिए, हमने यहाँ पे दिखाया कि एक डायोड लगा था, ये डायोड था फ्रेंड, ये डायोड कहाँ गया, डायोड भी लगता चला गया, डायोड नहीं गया, ये यहीं पे है, ये देखिए डायोड है। और इस डायोड के शॉर्टिंग की वजह से यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ था, उसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने पहले शॉर्टिंग हटाई, और शॉर्टिंग हटाई फ्रेंड तो हमारा जो टेम्परेचर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। Promise that you'll never be lonely.